जप क्या है? अक्सर कई लोगों को इसका सही अर्थ नहीं पता। जप है भगवान के नाम को बार बार याद करना और उनके और निकट आना, उनके चरणों में स्थान पाना, उनका दास बनना। नमस्कार, मैं हूं अनु सिरसवाल और आप देख रहे हैं एएनवी न्यूज़। प्रश्न उठता है कि अच्छा जप कैसे किया जाए। जप करने का अपना सबका अलग तरीका है। कोई हर समय काम करते हुए भी जाप करता है, मन ही मन उस प्रभु को याद करता रहता है, चाहे हाथ कुछ भी कर रहे हो, वो खुद कहीं भी हो, बस जुबान पर प्रभु का सिमरन चलता है। कुछ लोग माला फेर कर प्रभु को याद करते हैं, कुछ माला ना लेकर उंगलियों पर गिनकर प्रभु का सिमरन करते हैं। सभी तरीके सही हैं, जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे। हमारी भक्ति में प्रगति मंत्र जप पर ही निर्भर करती है। भक्ति में हमारी 11% प्रगति जप पर निर्भर करती है। ये साधक के लिए प्राणों के समान होती है। एक भक्त को दिन में कम 16 माला जाप मंत्र करना होता है। हमें मंत्र का जप उसी प्रकार करना चाहिए जैसे एक शिशु अपनी माता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रोता है। मुक्ति पाने का सरल उपाय मंत्र जाप। मंत्र कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। मंत्र का जाप करने वाला मृत्यु के पश्चात बैकुंठ धाम शिवलोक को जाता है। भक्त प्रहलाद को कौन नहीं जानता। उस बालक ने केवल हरि नाम का मंत्र जप कर स्वयं भगवान विष्णु को पा लिया था। अपने इष्ट का मंत्र कलयुग में भगवान की प्राप्ति मन को शांति देने वाला है। मंत्रों की महिमा का बखान हिंदू धर्म के पुराणों व ग्रंथों में किया गया है। मान्यता के अनुसार मंत्र के जाप मात्र से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मुक्ति पाने का सरल मंत्र बन जाता है। अच्छे जप का रहस्य भगवान की पुकार और उनका आशीर्वाद। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हम भगवान को पुकारते हैं और भगवान हमारी पुकार सुनकर तुरंत हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं, हे प्रिय भक्त, तुम्हें क्या चाहिए? अगर हम भौतिक जीवन की वृद्धि चाहते हैं तो हम कहेंगे धन, ख्याति, पुत्र, पत्नी, बेटी, बढ़िया घर, गाड़ी और आराम का सभी सामान। वहीं अगर हम आध्यात्मिक वृद्धि चाहते हैं तो कहेंगे, हे परम आकर्षक भगवान और आपकी अतरंगा शक्ति, मुझे अपनी सेवा का अवसर दें, मुझे अपने चरणों में स्थान दें ताकि मैं दिव्य सेवा में लग सकूं। यही अच्छे जप का रहस्य है। अच्छे जप का रहस्य भगवान की पुकार और उनका आशीर्वाद है। जब हम मंत्र का जप करते हैं तो हम भगवान को पुकारते हैं और भगवान हमारी पुकार सुनकर तुरंत हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं, हे प्रिय भक्त, तुम्हें क्या चाहिए? अगर हम भौतिक जीवन की वृद्धि चाहते हैं तो हम कहेंगे धन, ख्याति, पुत्र, पत्नी, बेटी, बढ़िया घर, गाड़ी और आराम का सभी सामान। वहीं अगर हम आध्यात्मिक वृद्धि चाहते हैं तो कहेंगे, हे परम आकर्षक भगवान और आपकी अतरंगा शक्ति, मुझे अपनी सेवा का अवसर दें, मुझे अपने चरणों में स्थान दें ताकि मैं दिव्य सेवा में लग सकूं। यही अच्छे जप का रहस्य है। हरि बोल हरि ओम तत्सत ओम नमः शिवाय। हरि बोल हरि ओम तत्सत ओम नमः शिवाय।